Hey guys, what's up? Welcome to my new video of my channel Consumerholic. So, आज का वीडियो होने वाला है एक गेमिंग माउस के ऊपर, जो कि एक बजट गेमिंग माउस है. This is Red Gear का A10 LED गेमिंग माउस. So, आज की इस वीडियो में मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ इसकी प्राइसिंग, फीचर्स एंड क्या क्या इसमें अवेलेबल है, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ. सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ बजट गेमिंग माउस जो एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, सो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिए. सो बिना टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू दी अनबॉक्सिंग ऑफ रेड गियर A10 गेमिंग माउस. सो देखते हैं इस माउस के फीचर्स क्या क्या हैं, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, बजट प्राइस में आपको ये माउस मिल रहा है. सो हम आज इन डेप्थ देखने वाले इस माउस में क्या क्या अवेलेबल है एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले. सो आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये माउस एक्चुअली में अच्छा है कि नहीं. सो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर एक रेड गियर का स्टिकर दिया है जो है थोड़ा सा मैट फिनिश है, यू कैन यूज़ इट, आपके ऊपर है. एंड एक यूज़र मैनुअल भी दिख रहा है मुझे. दिस यूज़र मैनुअल आई डोंट थिंक सो कोई पढ़ता है आज की डेट में, बिकॉज इट्स वेरी इजी माउस को यूज़ करना, सबको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं. सो यूज़र मैनुअल में आपको फंक्शंस और फीचर्स और ये सब मिल जा रहे हैं, जिसे पढ़ना है वो डेफिनेटली पढ़ सकता है, बट आई थिंक सो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. सो अभी इसे साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए. सो गाइज, हम देखते हैं अभी माउस एक्चुअली में कैसा है, हाउ द माउस इज, उसकी क्वालिटी कैसी है. एंड एज यू कैन सी, माउस तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है. लुक वाइज डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड एक गेमिंग माउस जैसी डेफिनेटली फीलिंग देता है ये बजट माउस. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड गियर की ब्रांडिंग दी गई हुई है और ऊपर पूरा आपको मैट फिनिश हल्का हल्का सा फील होता है, इट्स वेरी स्मूथ. सो गाइज, माउस के फीचर्स भी देख लेते हैं जो बॉक्स में प्रोवाइडेड है. लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स. एंड यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है, प्लस एडजस्टेबल DPI है एंड आपको 1.8 मीटर का केबल प्रोवाइडेड है और सिलिकॉन रबर रोलर है विच यू कैन यूज़ फॉर स्क्रोलिंग. एंड अच्छा है, कंफर्टेबल है साइज में भी. सो इसके आगे हम देख लेते हैं हाउ इज़ द ड्यूरेबिलिटी एंड द यूसेज ऑफ दिस माउस. ऑलराइट गाइस, सो यूसेज में मैंने इसे टेस्ट करके देखा, मैंने गेमिंग किया, काउंटर स्ट्राइक गेम खेला PC पे एंड डेफिनेटली द माउस वॉज कम्फर्टेबल फॉर यूसेज. एंड आप देख सकते हैं एक एवरेज हैंड साइज में ये आराम से फिट हो जाता है. सो आपको ये माउस छोटा नहीं लगेगा, दिस इज़ द एवरेज स्टैंडर्ड साइज. एंड आप देख सकते हैं लाइटिंग जो एक इसमें प्रोवाइडेड है, जो LED लाइटिंग है, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, बट यहाँ पे लाइटिंग्स चेंज होते रहते हैं बीच बीच में एंड बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग्स हैं. आप देख सकते हैं कटआउट से हाउ इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड अंधेरे में तो बहुत ही अच्छा लगता है. और इतने बजट माउस में, लाइक ये माउस गाइस 350 रुपीज़ का है एंड 350 रुपीज़ के माउस में अगर आपको ये फीचर मिल रहा है लाइटिंग का, तो बहुत ही बड़ी बात है. एंड गाइस, यूसेज में भी माउस बहुत ही अच्छा है. लाइक मैंने यूज़ करके देखा है इसे एक हफ्ते एंड आई फाउंड इट कम्फर्टेबल, कुछ मुझे इश्यूज नहीं आए क्लिक्स में और एक्यूरेसी भी अच्छी है क्लिक्स की, प्लस जो लुक एंड फील है थोड़ा सा प्रीमियम है, सो वो भी एक थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है. सो आई थिंक सो प्राइस को दिमाग में रखते हुए 350 रुपीज़ में आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट डील. सो गाइज, ये माउस तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बजट गेमिंग माउस ये 350 रुपीज़ के प्राइस में. सो डेफिनेटली आप रेड गियर के लिए जा सकते हैं जो कि है A10 गेमिंग माउस. इस प्रोडक्ट का मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आके अमेजोन की लिंक से परचेज कर सकते हैं. एंड गाइज, इस वीडियो के लिए कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको जानना है, आप डेफिनेटली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब कमेंट्स के आंसर करूँगा. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ये गाइज, मेरा नया चैनल है कंज्यूमरहोलिक, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. यू गाइज हैव अ ग्रेट डे अहेड.